गलिए देखो हमको उनका लोग हम बताए यस सर फोकस पे आप रहेंगे। तो बीएनएस ने कार्डिक फर्सोना फिर ब्लड से प्लाज्मा का सेपरेशन करेंगे हम लोग। तो प्लाज्मा का सेपरेशन करने के लिए हम लोग को चाहिए होता है सेंट्रीफ्यूगल मशीन। तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल मशीन है या सेंट्रीफ्यूगल मशीन है ना, टाइटली पकड़ो। आप इनके ब्लड सैंपल देखो। तो हम लोग इस ब्लड के सैंपल को इसमें डाल दिया जाता है। इसको बंद कर दिया जाता है। अब इसको जो है हम इसका सेंट्रीफ्यूगल करेंगे सेंट्रीफ्यूगल मशीन में, ठीक है। इसको इसमें डालेंगे, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हम एक डाल दे रहे हैं, ठीक है। लाइट नहीं है क्या? नहीं लाइट नहीं, लाइट नहीं है, जनरेटर शॉट हुआ है। तो जैसा कि हम जानते हैं ब्लड में जो है 55% प्लाज्मा होता है और 45% फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं। तो अभी हम लोग प्लाज्मा का सेपरेशन कर लेंगे। सेपरेशन हो रहा है, पढ़े थे 11 में याद है कि ब्लड में दो चीजें होती है, प्लाज्मा होता है और एक फाउंड एलिमेंट होता है। फाउंड एलिमेंट में तीन चीजें हैं, WBC, RBC, प्लेटलेट्स, है ना। हम लोग यहाँ पे WBC, RBC और प्लेटलेट्स ये सबको देखेंगे, है ना। तो WBC अलग हो जाएंगे और RBC अलग हो जाएंगे, प्लाज्मा अलग हो जाएगा। प्लाज्मा किस रंग का होता है? येल्लो कलर लिखवाए हैं। प्लाज्मा येल्लो कलर का होता है, अभी तो कुछ नहीं, येल्लो कलर सब अलग अलग हो जाएंगे। पढ़े हो जैसे पढ़े हो, अब प्रैक्टिकल करें, जितना बोला गया सब होगा। देखो प्लाज्मा क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा और WBC क्या हो जाएंगे, नीचे हो जाएंगे, सॉरी RBC नीचे हो जाएंगे और WBC जो बीच में रहेगा व्हाइट वाला जो होगा, WBC बीच में होगा, प्लाज्मा ऊपर रहेगा, RBC कहाँ चल जाएगा, नीचे, ठीक है। तो अभी उसका हम RBC का विश्लेषण तुरंत एक आया गया है। प्लाज्मा कितना परसेंट होता है? 55% और RBC अपने फार्म में कितना होता है? 45। तो प्लाज्मा का लेवल जो होगा ना हमेशा ज़्यादा हो किससे? फॉर्म्ड एलिमेंट से, है ना। अभी हम लोग यहाँ पे एक जमात करके देख लिया जाएगा। कितना समय लगेगा सर? 5 से 10 मिनट। बोले बोला तो गया बायोलॉजी के स्टूडेंट का प्रैक्टिकल चल रहा है, ब्लड से प्लाज्मा का सेपरेशन। और आज हम BNSL अकेडमी परसोना 12 बच्चों का प्रैक्टिकल कराया जा रहा है। तो जैसा कि हम लोग पढ़े हैं क्लास 11 में कि ब्लड में 55% प्लाज्मा होता है और 45% फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं। और प्लाज्मा जो है येल्लो कलर का होता है, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल मशीन है, सेंट्रीफ्यूगल मशीन से हम ब्लड से प्लाज्मा का सेपरेशन कर रहे हैं। तो सेपरेट होने के बाद हम लोग का कुछ रिजल्ट आया है, यहाँ दिख रहा सबको। तो जो ऊपर दिख रहा है, ऊपर क्या दिख रहा है? येलो कलर का प्लाज्मा। और जो नीचे तुमको बैठा दिख रहा है, नीचे जो सेटल माउंट सेगमेंट हो गया है, ये क्या है? RBC है। और यहाँ पे बीच में कौन पतला सा लेयर दिख रहा है,
है ना, ये सब क्या है, WBC है, क्लियर है। तो प्लाज्मा हो गया, ये RBC हो गया, और बीच में क्या हो गया, WBC हो गई। अब यह प्लाज्मा में हम जानते हैं कई सारे मिनरल हैं, कार्बोनेट्स हैं, है ना, कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं, ये सब प्रोजेक्ट होते हैं। और यहाँ पे जो डार्क तुमको नीचे सेगमेंटेड दिख रहे हैं, ये सब क्या है, RBC, क्लियर है। तो प्लाज्मा किस कलर का होता है, येलो कलर का, सोलो पढ़े हो, है ना, क्लास 11, क्लियर है, सब जान गए। बहुत गाढ़ा होता है, इधर देखो, ये तुमको दिख रहा है दिखते हुए कहीं, देखो दिख रहा है सभी, क्या हो गया, एकदम गाढ़ा, क्लियर है। अब देखो इसी प्लाज्मा में कई सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे क्लोराइड आयन, सोडियम आयन, सभी बाइकार्बोनेट आयन। अब इन जो बाइकार्बोनेट हैं, क्लोराइड है, कई सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, इनका हम टेस्ट भी कर सकते हैं कि इसमें क्या क्या न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है। तो इसका हम टेस्ट किसमें करेंगे, केमिस्ट्री में, क्लियर है। इसी टाइप ब्लड था, अरे दिखाओ ब्लड डोनर।